लास्ट लेक्चर में अपन ने डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रोड्स देखी थी, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे सेल के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने पढ़े हुए भी अभी तक सेल दो तरह के, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, और एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें कि आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें, कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें केमिकल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखो क्या होता है, एक ही आप ये कह सकते हो वेसल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया जाता है। जैसे मान लो ये है H2SO4 का सॉल्यूशन और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रोलाइट, एक ही इलेक्ट्रोलाइट लिया है और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है। अब इसमें जो एक इलेक्ट्रोड है वो तो होगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरी इलेक्ट्रोड जो होगी वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोड्स को बाहर सर्किट से इसने कनेक्ट कर दिया बैटरी। तो अब क्या होगा, ये जो जब आपने ये सर्किट से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिसिटी सेल के अंदर पास होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और फिर क्या होगा, आयन्स का मूवमेंट होगा, जो H+ आयन है वो जाएगा नेगेटिव की तरफ और जो SO4-2- आयन है वो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और उसके कारण जो आयन्स है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव है उसे हम बोलते हैं एनोड और जो नेगेटिव है उसे हम बोलते हैं कैथोड। और सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स डिप रहती हैं, एक एनोड की तरह बिहेव करती है, एक कैथोड की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और आयन्स जो है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होते हैं, मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो और जो आयन्स है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, मतलब हमें उस इलेक्ट्रोड पे एक केमिकल मिल रहा है, तो वो केमिकल एनर्जी में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो दे रहे हो किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इंटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा होता है, यहाँ पे आप केमिकल एनर्जी, यहाँ पे दो सेल लिए जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने जो पढ़ा हुआ होगा गैल्वेनिक सेल है ना, डेनियल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने एक बीकर ले लिया, इसके अंदर ये मैंने सॉल्यूशन डाला, यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रोड लगा, ये मान लो ये इलेक्ट्रोड है जिंक की और इसके अंदर मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। तो अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूँ तो ये कैसी इलेक्ट्रोड हो गई, मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो गई, जिंक और जिंक ऐसे। फिर इधर अपन ने दूसरी इलेक्ट्रोड ली जिसके अंदर ये उसका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये है कॉपर सल्फेट और यहाँ पे हमने ये कॉपर की इलेक्ट्रोड लगा, ये भी कैसी इलेक्ट्रोड हो गई, मेटल प्लस, आप कह सकते हो कॉपर प्लस, और यहाँ इसको आप कह सकते हो जिंक प्लस, ठीक है। दोनों को अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ट है, इन दोनों को अपन ने एक बाहर
सर्किट से कनेक्ट किया है, आउटर सर्किट से अपन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को कनेक्ट किया है, ठीक है। प्लस सॉल्यूशन का आपस में कॉन्टेक्ट बनाने के लिए उसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया है। ये है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में ज्यादातर या तो लेते हैं अगर अगर भरा जाता है या KCl का सॉल्यूशन भी भरा जाता है, ठीक है, KLO3 भी भरा जाता है। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है क्या था, पहले सॉल्ट ब्रिज नहीं था। इधर जैसे आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और पास वाले बीकर में आपने ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता था कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन क्रिएट हो जाता था जिसके कारण सेल थोड़ी देर बाद में स्टॉप हो जाता था। मतलब आप ये जो बीकर है वो भी अलग अलग ना लेके तो देखो सॉल्ट ब्रिज जो है ये ब्रिज लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्या होता है कि बिना सॉल्ट ब्रिज के लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो सेल है वो क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। कि जैसे मान लो आपने क्या किया कि इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया कि बीच में एक सेपरेशन है, इधर की तरफ जिंक इलेक्ट्रोड है और ZnSO4 और इधर की तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड है और CuSO4 और ये किसी मेम्ब्रेन से आपने ये सेपरेट कर दिया। तो होता क्या था कि ये जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर बहुत जैसे इधर से जो आयन इधर से आयन आके और इधर से आयन आके डिपॉजिट हो जाते थे और ये एक इस डिपोजिशन के कारण यहाँ मेम्ब्रेन के डिपोजिशन के कारण एक पोटेंशियल क्रिएट होने लग जाता था जिसे बोलते थे लिक्विड लिक्विड उधर वाला लिक्विड इधर वाला लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बीच में जो जंक्शन है वहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हुआ और वो जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल था वो उस सेल की वर्किंग को मतलब आप कह सकते हो कम करता था या उसकी वर्किंग को इफेक्ट करता था, उसको सही वर्क नहीं करने देता था और धीरे धीरे सेल की वर्किंग बंद ही हो जाती थी। तो इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बाद में ये आया कि आप अलग अलग बीकर्स में सॉल्यूशन को ले लो ताकि जंक्शन पोटेंशियल बनेगा ही नहीं, लेकिन जैसे जो आयंस हैं वो भी एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे, वो चले जाएंगे इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, ठीक है, ताकि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी ना क्रिएट हो और आयन का एक्सचेंज भी हो जाए। इसलिए बाद में ये जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है इसका नाम है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हटाने के लिए क्या दिया गया, सॉल्ट ब्रिज दिया गया, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो आपके ये जो गैल्वेनिक सेल है इसकी मैं वर्किंग बताती हूँ कि गैल्वेनिक सेल कैसे काम करेगा। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है कि लेफ्ट साइड में हमने जिंक और जिंक सल्फेट की इलेक्ट्रॉन ली है और राइट साइड में हमने कॉपर और कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रॉन ली। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रूल क्या होता है कि जो भी एनोड हो, एनोड मतलब जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको लेफ्ट साइड में रखना है हमेशा, और जो भी कैथोड हो मतलब जहां रिडक्शन होता है उसको हम लेते हैं राइट साइड। ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब अपन बनाते हैं। तो जिंक जो है वो एनोड है और जो आपका ये कॉपर है, कॉपर वाली जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है भाई, ठीक है। तो जिंक पे क्या होगा, जिंक पे होगा ऑक्सीडेशन। तो आप ये कह सकते हो ये जिंक वाले पे ये एनोड है, ठीक है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, रिलीज करना। तो जैसे जिंक है तो जिंक जो है वो क्या बना लेगा, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन।
निकल जाए। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो जिंक की इलेक्ट्रॉन है ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती जा रही है, जिंक 2+, और वो जिंक 2+ सॉल्यूशन के अंदर जा रही है, और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है, बहुत सारे जिंक प्लस जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो रह जाएंगे कहाँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो कहाँ रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जिंक प्लस कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं सर्किट के थ्रू दूसरे वाले आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन पे, तो इसीलिए जब ये बाहर की तरफ निकलते हैं तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं और हम इसको नेगेटिव साइन देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिख रहे हैं, इसलिए इसका जो साइन है वो नेगेटिव दिया जाता है, और इसे एनोड इसमें क्या हो जाती है, नेगेटिव होती है। वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अभी मैंने बताया एनोड पॉजिटिव होती है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज आता है, है ना, तो एनोड पे आए तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं हमें भी एनोड पे, ठीक है, लेकिन ये जो वहां पे भी नेगेटिव चार्ज ही आता है एनोड पे, तो एनोड पे आता तो नेगेटिव चार्ज ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो जो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन आते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं, तो हम जो इलेक्ट्रॉन को साइन देते हैं वो नेगेटिव देते हैं, इसलिए एनोड जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाता है, होता एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन है और कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज जाएंगे वो भी एनोड पे जाके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे ही, भाई जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैं आपको कह रही हूँ कि एनोड पॉजिटिव होता है और जो भी नेगेटिव चार्ज है जैसे मान लो Cl- है, तो वो जब यहाँ जाएगा तो वो एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और खुद क्या बन जाएगा, Cl, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हुआ, एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज ही हो रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन ही हुआ, तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। बात समझ में आई, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे बाहर निकल रहे हैं इसलिए हम इस एनोड को क्या दे देते हैं, नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू किधर की तरफ मूव करेंगे, ये अंदर जा रहे हैं कॉपर के पास, ठीक है, तो कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि कॉपर में कमी है इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स कॉपर की तरफ जा रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये है क्या, कैथोड, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को ले रही है वो हो जाती है कैथोड, रिडक्शन होगा यहाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स देखो क्या करेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन देखो किसका है, कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर किस फॉर्म में है, Cu+2, तो वो जो Cu+2 है आयनाइज हो गया इलेक्ट्रोलाइट, तो Cu+2 रॉड की तरफ जाएंगे, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और क्या बना लेंगे, कॉपर, तो यहाँ पे एक लेयर बनती जाएगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सॉल्यूशन से कॉपर +2 पे जाएगा और क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा, कॉपर की लेयर जो है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी, तो जिंक तो खत्म होता जाता है, पतला होता जाता है, क्योंकि जिंक तो जिंक प्लस टू बना रहा है, तो जिंक की रोड से तो जिंक निकल रहा है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो सॉल्यूशन से कॉपर प्लस आके इलेक्ट्रॉन के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, तो कॉपर वाली रोड जो है वो मोटी होती जा रही है, ओके, तो ये रिएक्शन होती है कि यहाँ कॉपर प्लस टू आके इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है और यहाँ जिंक प्लस टू बना रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो ये है पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो सर्किट एक बार इतना ही चला, पूरा कब होगा, जब पूरा सर्किट होगा, पूरा साइकिल पूरा हो जाएगा, तो होता क्या है कि यहाँ से जब कॉपर चले गए तो बचा कौन यहाँ पे, SO4 2- और यहाँ कौन बचा है, Zn+2, ठीक है, तो होता क्या है, ये SO4 2- इस सॉल्ट ब्रिज के साथ सॉल्ट ब्रिज से यहाँ जाता है और फिर यहाँ जाके यहाँ पे जो SO4 2- आया है वो किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इस
जिंक के साथ बॉन्डिंग करके वापस क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। तो ये जो अंदर की तरफ तो आयंस ने सर्किट को पूरा किया है और बाहर की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स ने सर्किट को पूरा किया है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम छोटी सी ट्वेल्थ क्लास में पढ़ लेते हैं लेकिन इतना क्लियर नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए सर्किट कैसे पूरा हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो सेल है इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले दोनों एंड्स पे सेल पे हमेशा जो मेटल है वो आता है, दोनों एंड्स पे। इधर आप देखो सबसे पहले एनोड लिखा जाता है, तो जिंक, जिंक 2 प्लस, तो जिंक और जिंक 2 प्लस को मैं जिंक सल्फेट भी लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर सॉल्ट ब्रिज के लिए हम लगाते हैं ये डबल लाइन का सेपरेशन दिखाते हैं कि वो दूसरी इलेक्ट्रॉन है। फिर जो एनोड है तो एनोड में जैसे कॉपर, कॉपर प्लस 2 होता है तो उसको उल्टा लिखते हैं, कॉपर प्लस 2 को तो पहले लिखते हैं और फिर कॉपर को लिखते हैं, तो लास्ट में दोनों तरफ लिखो मेटल आगे। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर एक्टिविटी दे रखी है, मान लो आपको जिंक सल्फेट की एक्टिविटी दे रखी है कि 1.08 है तो एक्टिविटी की वैल्यू भी लिख दो। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है PtH2H+, कल ही अपन ने देखा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ये जो H2 है इसका प्रेशर भी होगा तो प्रेशर भी आप 1 atmosphere यहाँ लिख दो, ये जो आयन है इसकी कुछ कंसेंट्रेशन भी होगी वो आप यहाँ लिख दो, ये सब चीज़ें भी आप उसमें बता सकते हो। फिजिकल स्टेट भी बता सकते हो कि वो मेटल है या वो एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे ये जो है ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये क्या है सॉलिड है, ये क्या है एक्वस सॉल्यूशन है, ये क्या है सॉलिड है, इस तरह से इनकी फिजिकल स्टेट भी बता सकते हो। तो एनोड को तो सीधा इस तरह से लिखते हैं मेटल, मेटल प्लस, और जो कैथोड है उसमें आप मेटल प्लस को पहले लिखो और फिर मेटल। ठीक है, अब देखो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम सुना होगा कि उसमें आप, ये आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा हुआ है, उसमें आपको पता चलता है कि कौन सा, उसमें देखो बीच में जाके हाइड्रोजन आता है और वो जो हाइड्रोजन है वहाँ पे पोटेंशियल होता है 0। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो पोटेंशियल वहाँ पे 0 होता है हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं अपन पढ़ते हैं कि उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देना चाहते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है जैसे जिंक दे के जिंक 2 प्लस बनाना है तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है वो सब एनोड होते हैं, उन पर ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक के ऊपर वाले सब एनोड बनते हैं। कब, जब जिंक के नीचे वाले मेटल दिए गए, जैसे जिंक के नीचे कॉपर आता है तो जिंक, वो हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल जो होते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो एक मेटल अगर जिंक के ऊपर वाला है और एक मेटल अगर एक मेटल हाइड्रोजन के ऊपर वाला है, एक मेटल हाइड्रोजन के नीचे वाला है, तो जो हाइड्रोजन के ऊपर वाला मेटल है सीरीज में वो तो बन जाता है एनोड, और नीचे वाला मेटल है वो क्या बन जाता है, कैथोड बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर आपने उल्टा कर दिया, अगर आपने उल्टा कर दिया तो जो आप ईएमएफ निकालते हो, ईएमएफ जो होता है ना, एक टर्म होती है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो अपन निकालते हैं ई कैथोड माइनस ईएम, ये ईएमएफ की वैल्यू जब आपका सेल वर्किंग नहीं हो, ओपन सर्किट हो, ठीक है, तब जो सेल पोटेंशियल कैथोड का है और जो एनोड का है उसको आप माइनस करके जो सेल पोटेंशियल निकालते हो उसे बोलते हैं ईएमएफ। वर्किंग सेल में नहीं, ओपन सर्किट में एक इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल कौन से वाले का, पहले कैथोड माइनस एनोड, इनके डिफरेंस से जो पोटेंशियल आएगा वो होता है ईएमएफ। जैसे डैनियल सेल का ईएमएफ 1.008 वोल्ट के करीब।